हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज मोर टॉक्स में एक बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट लेकर आया हूँ मैं, और वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी, जो कि कारगिल के युद्ध में जीओसी थे, 8 माउंटेन डिवीजन, यानी कि वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, जिनको कि टास्क दिया गया था द्रास और कारगिल के इलाके में ये लड़ाई जीतने का, ऑप विजय, जिसको कि हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ये कश्मीर वैली में थे उस टाइम पे, और ये काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म रोल में थे जब इन मई में जब घुसपैठ का पता चला, और पता चला कि 130 किलोमीटर पे पाकिस्तान की फौज ने कैप्चर कर लिया तुरतुक बटालिक से लेके बटालिक और मशको, द्रास, कारगिल के इलाके में। तो इनको टास्क दिया गया द्रास और कारगिल में, इनकी डिवीजन को, तो ये यहाँ आए। तो इनके साथ मेरी खास बातचीत है, थोड़ी बातचीत मैंने उनको उनके एनडीए के बारे में पूछा है। वो 1962 जून 1962 में जो है, 1962 में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था, और जून 1966 में जो है उन्होंने कमीशन लिया था गोरखा राइफल्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और खास तौर पे हम बात करेंगे कारगिल की लड़ाई की, तोलोलिंग की, मशको वैली की, 0.4875 की, विक्रम बत्रा की, और मेजर आचार्य की, कर्नल रविंद्रनाथ की, 18 ग्रेनेडियर, 17 जाट, 13 जैकरेफ, 2 राजरेफ, इन यूनिटों की बात करेंगे। और बहुत ही बेबाक बातचीत है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट टॉक विद जनरल मोहिंदर पुरी। वॉच दिस, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। और हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की 23वीं, यानी 23rd एनिवर्सरी ऑफ द कारगिल वॉर। इंजॉय दिस, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद, व्हाट अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो सर, मोर टॉक्स, वेलकम सर। थैंक यू यश, ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू। एंड आल्सो आवर बुक इज अंडर प्रिंट नाउ सर, इन विच यू कंट्रीब्यूटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपका चैप्टर है कारगिल के ऊपर सर, सो वो भी एक दिन मैं आपसे शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग अ चैप्टर टू मेन ऑफ स्टील सर। ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर सर। अभी क्या है ना, बच्चे सर देश भर के जो एनडीए आईएमए वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, कारगिल का 23rd एनिवर्सरी आ रहा है सर, यू वर द आप जीओसी थे वहां पे, तो कारगिल की बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। टेल मी, आप व्हेन डिड यू ज्वाइन एनडीए एंड क्या मोटिवेशन था एनडीए ज्वाइन करने का उस टाइम पे सर? देखिए, मोटिवेशन तो काफी था उस समय। ये मैं जून 1962 की बात कर रहा हूँ जब मैंने ज्वाइन किया था। तो 1961 और 60s के अर्ली 60s के अंदर हर लड़का फौज में जाना चाहता था या वो आईआईटी करना चाहता था। आईएएस वगैरह के एग्जाम काफी प्रायोरिटी में नीचे थे। Yes. तो हमारे जितने भी क्लासमेट थे, काफी तादाद में हम लोग एनडीए गए। ये पहली मोटिवेशन थी। फिर मेरे फादर भी आर्मी में थे, उनका देहांत हो गया था 1959 में। मेरा बड़ा भाई, उसका भी लास्ट ईयर देहांत हुआ है, ही वॉज इन 17th कोर्स ऑफ एनडीए। तो जब उन्होंने ज्वाइन किया था एनडीए, तो मेरे फादर पूना में पोस्टेड थे, तो पूना से हम अक्सर जाया करते थे उनको मिलने के लिए। जब वो फर्स्ट नंबर थे, सेकंड नंबर थे, उनको जो रगड़ा मिलता था उस टाइम पे, ये मैं 56 की बात कर रहा हूँ, तो काफी इंटरेस्टिंग था और काफी मोटिवेटिंग था हमारे लिए। तो ये बेसिक मोटिवेशन तो घर से ही हुआ, फिर स्कूल से हुआ, और हमारे जितने भी दोस्त थे, हमारे क्लासमेट्स थे, हमने सब ने मिलके एनडीए ज्वाइन किया। 28th कोर्स, 28th कोर्स इन जून 1962, जून 1962 में, और आप पास आउट हुए जून 1966 आईएमए से। आईएमए से 65 में हुए हम एनडीए से, और 66 जून में आईएमए से। बहुत लंबा वक्फा है सर। कोई यादें हैं सर एनडीआईएमए की, आपके दोस्तों को आपने कोई मस्ती करी हो, कहीं रेस्ट्रिक्शन मिला हो कुछ ऐसा? ये 3 साल जो एनडीए के है, मेरा ख्याल है युवक के लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग समय है। और मैं अगर अपने बचपन को देखूं, ये 3 साल जो मैंने एनडीए में गुजारे, ऐसा समय मैंने कभी नहीं गुजारा उसके बाद में। इतना हमारी पॉपुलरिटी थी,
इतना आपस में मेलजोल था जो तो पूरे सर्विस में और आज तक चलता रह रहा है। हमारे कोर्समेट्स अभी भी हम मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, एनुअली तो मिलते ही हैं, मगर बीच में भी हम अपने अपने ग्रुप्स में एफर्ट करते हैं कि मिलने का, हम बॉल साथ में खेलते हैं। तो ये काफी इंस्पायरिंग टाइम था हमारे लिए। और ये हमने फिर ज्वाइन किया एनडीए के बाद, आई में गए और वहां पे भी वही कोर्समेट्स थे हमारे, एक और सीनियर थे हमारे जो सीनियर्स थे, तो अच्छा हमारा वहां पे समय बीता। और 4 साल के इंटेंस ट्रेनिंग के बाद में हमको कमीशन मिला थर्ड गोरखा राइफल्स में, फिफ्थ बटालियन ऑफ द थर्ड गोरखा राइफल्स इन जून 66। GR, तो आपने गोरखा ऑप्ट किया था या आपको मतलब मिल गया बाय चांस? देखिए, जब आदमी आई में होता है, आपको भी याद होगा कि जो स्मार्ट इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं वो काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये गोरखा हेड देख के वगैरह हम लोगों को काफी दिलचस्पी थी और काफी मोटिवेशन रहा उससे। तो ये मेरा पहला चॉइस था, मेरा पहला अच्छा चॉइस था थर्ड गोरखा, फिर था फिफ्थ गोरखा, फिर था एट्थ गोरखा। तो तीनों चॉइस मेरे गोरखा ही थे। सर, तो सर्विस के दौरान सर आप कहाँ कहाँ रहे, कोई आपके मेजर हाइलाइट्स क्या है नहीं, जीओसी बनने तक सर्विस सर? जैसे आपको पता है यश, सर्विस में तो हम लोग पूरा हिंदुस्तान के बॉर्डरों में तो रहते ही है, और उसके बाद काफी पीस स्टेशन भी रहे। और मेरी जो यूनिट की लाइफ 1966 से लेके 87 तक यूनिट के साथ था मैं। ये काफी बॉर्डर एरियाज देखे, नीफा अरुणाचल प्रदेश में देखा, मिजोरम में देखा, जेएनके में देखा। तो ये सब हमने डिप्लॉयड थे हम उन इलाकों में। और उसके बाद पी स्टेशन भी बड़े अच्छे अच्छे थे, सिकंदराबाद, हैदराबाद था, फिर चेन्नई था। तो इस समय ऐसे टाइम बीत गया अच्छी तरह दिल्ली के साथ। नहीं, बहुत आपका करियर बहुत इंस्पायरिंग रहा है सर, और हम लोग तो वी हैव लुक्ड अप टू लीडर्स लाइक यू, हाई इंटेग्रिटी, हाई मोटिवेशन, फिजिकली फिट। तो सर मैं ना अभी मतलब क्योंकि 23rd एनिवर्सरी ऐसा कारगिल विजय दिवस की, आप जीओसी थे सब 8 माउंटेन डिव, और आप थे कश्मीर में तब काउंटर इंसर्जेंसी में, तो जो पता लगा आपको कि ऐसा ऐसा हो गया है, बहुत बड़ा फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है, आपको किसने बताया टास्क जाना है, कब आप द्रास कारगिल पहुंचे, उसका अगर थोड़ा बता दो सर। जैसे आपने ठीक बोला, 8 माउंटेन डिवीजन का मैं जीओसी था, और मैंने ये अपॉइंटमेंट मार्च 1998 में टेक ओवर किया था डिवीजन को। और एक साल तकरीबन एक साल के करीब मैं सीआई ऑपरेशन में, शरीफाबाद एक जगह है श्रीनगर के और गुलमर्ग के बाईपास के ऊपर, वहां पे मेरी डिविजनल हेडक्वार्टर डिप्लॉयड था, और बाकी नॉर्थ कश्मीर में सारी ब्रिगेड डिप्लॉयड थी। तो एक साल तो हमने काफी सीआई ऑपरेशन में भाग लिया, काफी सक्सेस हासिल किया डिवीजन में, और सिचुएशन काफी अंडर कंट्रोल आ गई थी वहां पे। कि ये भी सोचा जा रहा था कि समर के बाद में एक आध ब्रिगेड हम बदरवा किश्तवाड़ में भी शिफ्ट कर सकते हैं, इतना कंट्रोल हो गया था। मगर ये अप्रैल की बात है, और मई में हमको पता चला कि ये कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रहे हैं बटालिक सेक्टर में, और कुछ ग्लेशियर्स आए हैं। तो ये जब हमको टूटी बूटी इंटेलिजेंस मिली, तो फिर उसके बाद में जैसे सिचुएशन डेवलप हुई, तो पता चला कि ये जो इंट्रूजन है पाकिस्तान आर्मी की इंट्रूजन है, और ये इसका फैलाव कोई 130 किलोमीटर है। हाँ वही ना सर, पहले खबर लगी बटालिक एरिया में, हाँ, बटालिक एक एरिया में। मगर फिर है ना, जैसे गडरिया ने बताया कि कुछ लोग पठानी सूट में घूमते नजर आए उसको, करेक्ट, शुरू की ये खबर तो तो यही आइडिया नहीं थी। था कि कारगिल में भी स्प्रेड कर गए हैं इस एरियाज में। जी आप देखिए, ये पूरा कारगिल के इलाके द्रास पश्को से लेके वहां बटालिक के यालदोर सेक्टर, वहां पूरा स्प्रेड कर गया था ये, और सिचुएशन काफी गंभीर थी। तो तकरीबन 16 या 17 मई को मैंने कोर कमांडर साहब को रिक्वेस्ट किया कि मेरा ख्याल है कि सिचुएशन काफी बिगड़ गई है और ये एक डिवीजन हैंडल नहीं कर पाएगी, तो 8 माउंटेड डिवीजन को भी आपको सोचना चाहिए इसको शिफ्ट करने के लिए। हाँ तो तब कोर फोर्टीन कमांडर कोर साहब, नहीं थी,
ये भी बता दो सर, तब 14 कोर नहीं थी तो फोर्टीन ये कोर इलाका भी जो है, 15 कोर भी, ये पूरा इलाका देख रही थी जो आज 2 कोर देख रही है। ये लोगों को जाना जरूरी है, तब 15 कोर ही थी और 15 कोर के ही एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये, और हमारी डिवीजन डिवीजन थी ले में, दैट इज 3 माउंटेन डिवीजन है ना सर, 3 इन्फेंट्री डिवीजन, 3 इन्फेंट्री डिविजन, जो रुजेला के जो पूर्व का हिस्सा है पूरा लद्दाख, उनके उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ता था। तो जब ये कोर कमांडर साहब के साथ मेरी गुफ्तगु हुई तो उन्होंने भी ठीक विचार किया कि देखो ये 8 माउंटेन डिवीजन को लिफ्ट करना सीआई ग्रिड के अंदर वैक्यूम लगेगा, जो ये वैक्यूम आतंकवादी फिर आके भर सकते हैं, मिलिटेंट्स आके भर सकते हैं, और जो हमने कंट्रोल लाए हम मिलिटेंसी को वो बर्बाद हो सकता है, हम वो इनिशिएटिव जो है लूज कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा विचार करने की जरूरत है, मगर उन्होंने ये मेरे को यकीन दिया कि वो डिस्कस करेंगे इस प्रपोजल को हायर हेडक्वार्टर्स के साथ। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 26 मई के करीब मेरे को चीफ साहब के साथ में था यहाँ पे बटालियन में, और वहाँ पे जब हम पहुंचे तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप 8 माउंटेन डिवीजन को ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए 1 जून से द्रास और मशको इलाके में। तो उसके बाद पूरा डिवीजन मोबिलाइज हुआ और हम ऐसा ऐसा डेविड कॉर्डर पहली जून को वहाँ पे पहुंच गया एक आध ब्रिगेड के साथ में, फिर आहिस्ता आहिस्ता बटालियन आनी शुरू हुई, आर्टिलरी भेजना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से 8 माउंटेन डिवीजन की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई ऑपरेशन में। तो 1 जून के आसपास से आपको ये ऑपरेशनल टास्क मिला? हाँ जी, 1 जून से 8 माउंटेन डिवीजन को ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मशको और द्रास सेक्टर। मशको और द्रास, और आपका हेडक्वार्टर हो गया कारगिल में? हमारा हेडक्वार्टर पहले था बटालियन में, बटालियन है तकरीबन ये जुजिला के आगे और द्रास के बीच में पड़ता है, एक छोटा सा छोटी सी बस्ती थी, गांव भी नहीं था, छोटी सी बस्ती थी, वहां पे हमने अपना डेविड क्वार्टर लगाया क्योंकि वो कोल का लॉजिस्टिक एरिया भी था, तो उसको उसके ऊपर बिल्डअप करना ज्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन वगैरह सब वही थे अवेलेबल, तो इट वॉज ईजी टू बिल्डअप एट दैट। मगर ये हमने ये नहीं विचार किया कि 1.4875 ओवरलुक कर रहा था बटालियन बोल को, और जिस दिन हमने टोनलिंग को कैप्चर किया उन्होंने हमारा ये बेहालत की डेविड क्वार्टर की शेलिंग के साथ में कि हमको वहां से फिर जाके पीछे जाना पड़ा, मुगल मुगल पुरा जाना पड़ा, एक और जगह है जो बटालियन और गुजिला के बीच में पड़ता। सर ये बताओ, जब शुरू में ये एक दो एपिसोड हुए हमारे बहुत दर्दनाक थे, तो ये जब रियलाइजेशन हुआ सर, सबसे पहला आपको शॉक क्या चीज लगा कि ये ऐसा फेलियर कैसे हो सकता है, 130 किलोमीटर पाकिस्तान आ गए और हमें पता ही नहीं है, पूरा सीजन निकल गया, तो किसको किसको ब्लेम करना चाहोगे, या क्या कोई मतलब नॉट ब्लेम मतलब इंट्रोस्पेक्शन अगर हम करें आज सर, तो क्या कारण था सर? इंट्रोस्पेक्शन का तो एक ही कारण था, ये इंटेलिजेंस फेलियर था, ये नेशनल लेवल पे भी इंटेलिजेंस फेलियर था और मिलिट्री लेवल पे भी इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि जो ट्रुप्स हम का आपको पता ही है, जैसे ट्रुप्स को विंटर पेट्रोलिंग करते हैं, विंटर पेट्रोलिंग में थोड़े से डेफिशिएंसीज थी, फिर एरियल सर्वेलेंस में थोड़ी डेफिशिएंसीज थी, जो SOPs थे उसके मुताबिक हम नहीं चले, क्योंकि ये कोई 40 साल इंडिपेंडेंस के बाद में कि दोनों आर्मीज के बीच में इनफॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग थी कि ना कोई ये इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ कारगिल और जुजिला के बीच में और कारगिल और लेह के बीच में, ये कोई इलाके में कोई टैक्टिकल वैल्यू नहीं था, क्योंकि ना कोई रोड कनेक्टिंग थे आपस अक्रॉस दी LC, तो इसमें विंटर्स में पाकिस्तान भी अपने विंटर पोस्ट विकेट कर लेता था, हम भी कर लेते थे, पर इस टाइम हमने किया और पाकिस्तान ने आके उनको ऑक्यूपाई कर, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था, बहुत हाई लेवल पे इंटेलिजेंस फेलियर था एट द नेशनल एंड एट द मिलिट्री लेवल। आप सर मतलब ऐसी बात नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, आप देखो 65 में सर बहुत घमासान लड़ाई हुई है इस इलाके के अंदर, मेरी अपनी यूनिट थी फर्स्ट गार्ड, हमारी यूनिट ने वहाँ काला पहाड़ के इलाके में लड़ाई लड़ी है, 47-48 में भी यहाँ लड़ाई हुई है, तो पाकिस्तान की नजर तो थी, देखो कि यही एक हाईवे है जो लद्दाख को कनेक्ट करता है कश्मीर से,
देखिए ये जो है आपने ठीक बोला, ये जो था ना कारगिल के इलाके में लड़ाई हुई थी और इस ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कारगिल के इलाके में था, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी थी, रोड्स की थोड़ा अदर ऑप्शन बनते थे। पर इस इलाके में अगर आप देखिए द्रास के पास कुछ है ही नहीं है एकदम। हाँ मद्रास के पास नहीं। हाँ हाँ उसके बाद रिज लाइन के पास एकदम नीचे जाता है पूरा टेरेन कुलतारी तक। तो ये पूरे जितने भी इलाके थे सिमिलरली बटालिक में कोई इसका इतना महत्व नहीं रखा था टैक्टिकली कि इसको ऑक्यूपाई किया जाए थ्रू आउट द ईयर। ये तो खाली एक एक चीज बताओ सर, जब 84 के बाद जब सियाचिन हमने ऑक्यूपाई किया, उसके बाद देखो आपको पता ही है सियाचिन में कितना खून बहाया सर दोनों साइड से। अब पिछले 10-12 साल से शांति है, बिकॉज जब पाकिस्तान ने देख लिया अभी कोई फायदा नहीं है। लेकिन तब हमने कभी सर, आप तो सीनियर मिलिट्री लीडर थे उस टाइम पे, ये नहीं किसी ने अंदाजा लगाया कि यार ये इसका बदला, ये बदमाशी कहीं ना कहीं इस एरिया में कर सकता है, कोई असेसमेंट थी इस टाइप की क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अप्रैल में जैसे हर फॉर्मेशन में होती है वॉर गेम हुई थी हमारी कोल हेडक्वार्टर में, और मैं था एनिमी कमांडर। उस समय भी मैंने यही इलाके ऑक्यूपाई किए थे छोटी तादाद में, मगर मैंने ये सारे इलाके ऑक्यूपाई किए थे। पर जैसे आपको पता है कि वॉर गेम का जो मकसद होता है वो डिफेंसिव ऑपरेशन को वैलिडेट करने के लिए होता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन पूरा था वैली की तरफ था, तो इस इलाके को थोड़ा सा लो प्रायोरिटी पर रखा हुआ था। आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी को ये देखना चाहिए था, मगर जब आप नहीं देख रहे तो एसओपी बनी हुई थी इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए या रिकॉन्डिसेंस के साथ इसको देखने के लिए कोई इंक्लूजन ना हो जाए, कोई ऐसा इंक्रोचमेंट ना हो जाए। पर वहां पे जब हम फेल हुए तो पाकिस्तान टुक एडवांटेज ऑफ दैट, और उसने आके वहां पे सब ये 130 किलोमीटर जो तो मैंने जिक्र किया है ये पूरा इलाका आके उन्होंने ऑक्यूपाई कर। चलो ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक लेसन है हमारे लिए इतिहास में भी, कि हम हमेशा जो है हम पानीपत में आके लड़े हैं, हमने कभी पासस पे लड़े नहीं हम। ये करेक्ट मतलब ये सर हमारे देश की कहीं ना ये कमी है। अभी भी आप देखो ईस्टर्न लद्दाख में 2 साल जो पहले हुआ, हमें नहीं पता लगा चाइना ये सब कर रहा है। करेक्ट हमारे करेक्ट हम सर ये मतलब चलो आप बहुत सीनियर ऑफिसर हैं सर, ये तो ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी को दिखाता है कि हम बड़ी जल्दी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, या हम ट्रस्ट करते हैं दूसरों को, या हम इंटेलिजेंस पे उतना इन्वेस्ट नहीं करते। इन तीनों में से क्या कारण है सर कि ये ऐसा बार इंटेलिजेंस बार है, होता मेरा है? ख्याल है इंटेलिजेंस का है बेसिकली। तो ये जो आपको लेसन सीखना चाहिए था 99 के बाद में वो इंटेलिजेंस काफी अपग्रेड हुआ है। पर फिर भी ये देखिए आपने जो तो जिक्र किया कि क्या हुआ चाइना के साथ वहां पे गलवान वगैरह पे, ये भी थोड़ा सा इंटेलिजेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। हाँ मतलब मुझे क्या लगता है ना सर कि हमने इंटेलिजेंस को तवज्जो नहीं दी। हमने कहीं ना कहीं 1947 के बाद हमने जिस प्रकार के लीडर प्रोड्यूस किए या जिस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर बना, उसमें हमने ज्यादा तवज्जो दी स्टाफ कॉलेज कर लो, बीएम बन जाओ, ऑपरेशन साइड, और हमने इंट को पीछे धकेल दिया कि ऐसे ही है, लॉजिस्टिक्स को भी किया कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी स्टाफ कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ और बाहर फॉरन में भी स्टाफ कॉलेज किया है। तो मुझे मुझे लगा ये हमारे, और अब उसको अभी भी हमने शायद इतना ठीक किया नहीं है कि इंटेलिजेंस शायद ऑपरेशन से ऊपर होना चाहिए, और लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स मस्ट बी एट पार। आपका क्या कहना है सर? नहीं एब्सोल्युटली। आजकल आप देखिए जो मेरा ख्याल है करेक्शन मिड पोस्ट करेक्शन हुआ है एज फार एज लॉजिस्टिक्स आर कंसर्न। आप देखिए अभी हायर कमांड और एडीएमसी वगैरह इन्होंने एट पार कर दिया। अच्छे लड़के जो इनमें से पास आउट होते हैं ये सब जाते हैं क्यू अपॉइंटमेंट में जाते हैं। आपने भी देखा होगा डिव वगैरह में सारे क्वालिफाइड ऑफिसर जा रहे हैं आजकल जो लॉजिस्टिक साइड में ब्रिगेड से लेके ऊपर तक। ये काफी मेरा ख्याल है एम्फेसिस है कि लॉजिस्टिक साइड में भी हमको अटेंशन पे करनी चाहिए और खाली ऑपरेशनल साइड में नहीं। इंटेलिजेंस अभी भी थोड़ा सा वीक स्पॉट है, मगर मैं देखता हूँ कि काफी हमारी अपग्रेडेशन हुई है ये नए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो 10 साल से ही चल रहे हैं डीआईए वगैरह जो बना है, हाँ इससे काफी हमारी अपग्रेडेशन हुई है इंटेलिजेंस में। 20 साल हो गए तकरीबन डीआईए को बने हुए। तो वही ना सर, ये सब तो आपकी आपकी कारण से ही तो कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट बैठी, कारगिल रिव्यू उसके बाद कमेटी का आईडीएस फॉलोअप बना, था। है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, ये कारगिल रिव्यू कमेटी का ही फॉलोअप था। पर चलो जो भी था इट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मेरा ख्याल है देखिए 75 साल एक कंट्री की हिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता,
काफी कुछ आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने काफी प्रोग्रेस किया है ये 75 साल। किया, इसमें कोई शक नहीं है। इंटर सर्विसेज इंटीग्रेशन भी अच्छा है, काफी चीजों में अभी काफी इम्प्रूवमेंट है। सर अभी बात करेंगे, जब पहले आप गए सर, शुरू में हमने कैजुअलिटी खाई बिकॉज पाकिस्तानी जो ओपी थे सर, आर्टिलरी ओपी, वो पूरा का पूरा इस रोड को जो है उनकी नजरों में था, और पाकिस्तान आर्टिलरी ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया। शुरू में कैसा शॉक था सर, और मोराल कैसा था, मतलब क्या सिचुएशन क्या थी पहले हफ्ते में जब आप वहां पहुंचे, और तब पता नहीं था अब क्या करना है। देखिए, जब पहली तारीख को मैं वहां पे पहुंचा, और उससे पहले मैं एक बार देखी के लिए गया था, पर जब तक आप अपने आप ऑपरेशनली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उतना एम्फेसिस नहीं रहता। तो 1 जून के बाद जब मैंने ये अज्यूम की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिचुएशन बड़ी गंभीर थी। जो नेशनल हाईवे 1 डेल्टा है, जो श्रीनगर से लेह को जाता है, द्रास के इलाके में टोटल ऑब्जर्वेशन के नीचे था। कई जगह इन्फेंट्री वेपन्स की रेंज के अंदर था। आर्टिलरी ने, पाकिस्तान आर्टिलरी ने बेहद शेलिंग करी हुई थी, और आपको तो, आपने तो लेह में नौकरी करी है, आपको पता होगा कि वो जो द्रास का ट्रांजिट कैंप था उसको उन्होंने तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया था शेलिंग के साथ। ये जो आप आज देख रहे हैं तो उसकी हालत एकदम, मैं उसे गया था कोई 3-4 साल पहले, कितनी बढ़िया बनाया हुआ है आपने ट्रांजिट कैंप वहां पे, आप ही के टेन्योर में बना था ये, बहुत अच्छा काम हुआ था वहां पे। मगर 1999 में ये बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया था। तकरीबन कुछ बैरिक्स ही बची थी, कुछ निशान रक्षी बची थी। तो सिचुएशन बड़ी गंभीर थी, जहां पे भी हरकत होती थी, कोई गाड़ी की हरकत, मेरे मेरी अपनी जीप जब जाती थी, कोई शेलिंग शुरू हो जाती थी रोड के ऊपर, क्योंकि वो देखते थे। मैंने कहा कि मैं झंडे के साथ ही चलूंगा, लाल बत्ती के साथ चलूंगा, दिखाने के लिए कि कोई ऐसा गंभीर समस्या नहीं है। परंतु ये जो शेलिंग थी, काफी इंटीमेट फायरिंग होती थी हाईवे के ऊपर, और इसी से हमने फिर बाद में अपने तस्वीर जो बनाई, इसको हाई प्रायोरिटी हमने दिया कि ये जो रोड है, रोड की डोमिनेशन को एलिमिनेट करना, कि हमारा जो वेहिकुलर ट्रैफिक है ये सब जा सके। आपको पता है वो समय विंटर स्टॉकिंग भी होती है ले गैरिजन की, और हमारे एग्जैक्टली विंटर स्टॉकिंग होती है, और आर्टिलरी का एमिनेशन, आर्टिलरी मूव करना एक मुसीबत है वो फोर्स, और उसका एमिनेशन आसान नहीं है, नीचे से लेके आना और एमिनेशन प्रिपेयर करना, गन पोजीशन पे डिलीवर करना, और वो भी ऐसे टाइम जबकि दुश्मन के पास उस टाइम उस स्टेज पे डोमिनेशन था इस पूरे एरिया का। बिल्कुल, आपको पता ही है कि देखिए नमक से लेके एमिनेशन तक वहां पे पूरा जाता है एक ही रोड एक्सिस पे। उस टाइम पे ये जो मनाली उपसी रोड था, ये कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं था। कोई 20% का ट्रैफिक उधर से जाता था और 80% नेशनल हाईवे के ऊपर जाता, तो इसमें काफी हमको डिले होता था, और काफी इंटरडिक्ट किया उसने इस हाईवे को। सो द प्रायोरिटी थी कि इस हाईवे को हम क्लियर करें, सो दैट नॉर्मल ट्रैफिक जो जाना है विंटर स्टॉकिंग के लिए और डे गैरिजन के लिए सब जा सके। सर ये तो अभी अब आप हो जीओसी सर, अभी ये ब्रिगेड आ गई है, रेकी शुरू हो गई है, टास्क यू नो बटना शुरू हो गया है, और कैजुअलिटी शुरू में तो सर एक सिचुएशन थी जो कि काफी हम हमारी दुश्मन की आर्टिलरी से हमारी कैजुअलिटी हो रही थी। उस टाइम पे आपने अपना कूल कैसे रखा सर, ऐसे ऐसे जीओसी, और आपने कैसे जब जवानों से मिले, ऑफिसर्स से मिले, ब्रिगेड कमांडर सीओ से आप मिल रहे थे, क्यों तो उनकी आंखों में क्या था, और आप कैसे उनको इंस्पायर कर रहे थे सर? देखिए, इंस्पिरेशन तो बटालियन कमांडर अपनी बटालियन पे करता है, ब्रिगेड कमांडर करता है अपने तरीके से, जीओसी करता है अपने तरीके से। मैं जब भी टास्क देता था किसी यूनिट या ब्रिगेड को, मैं जाके वहां से उनके साथ ठीक खुली आप बात करता था कि देखो आप इस पे जा रहे हो, ये आपका इतना अच्छा इतिहास है, इतने साल पुराना इतिहास है यूनिट का, और लड़ाई जो है आपकी जीवन में एक ही बार आती है, आप इसको, आप अपने नाम को बर्बाद कर लोगे तो ये अगली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी, और कोई 20 साल 30 साल 40 साल के बाद आएगी लड़ाई जब आपको फिर अपना रिस्टोर करना पड़ेगा नाम और आपकी प्रेस्टीज। तो ये एक मोटिवेशनल थीम था। दूसरा था कि देखो कैजुअलिटी तो होगी, तो जो लड़ाई में आप जा रहे हो आपको कैजुअलिटीज का इतना फिक्र नहीं करना चाहिए। ये फौज जो है
काफी देखभाल करेगी, आपकी पूरी देखभाल करेगी। तो इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है ट्रुप्स को। और मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे सीओज और ब्रिगेड कमांडर्स एकदम इतने मोटिवेटेड थे कि जो भी उनको टास्क दिया गया उन्होंने पूरे तरीके से उसको फुलफिल किया। कैजुअलिटीज हुई, काफी हाई कैजुअलिटीज हुई शुरू के अटैक्स में, पर ये उन्होंने बिल्कुल सेट असाइड करके अपना जो दिया हुआ टास्क उसको पूरा फुलफिल किया। और कहीं ना कहीं सर अभी वो दिन याद आ रहे हैं, ये पहली लड़ाई जो थी जो कि देश के ड्राइंग रूम में देखी गई लोगों ने सर 99 में, और ये यंग जर्नलिस्ट जो है वहां पहुंच गए और जिस तरीके से इस लड़ाई को टेलीकास्ट किया जा रहा था पूरा देश, वो फीलिंग आपको आ रही थी कि पूरा देश कितना इमोशनल हो रखा है और सब जुड़ गए थे सर, तब कोई जात पात धर्म की बात नहीं थी, सबके पूरा देश जो है इस एरिया को देख रहा था कि तोलोलिंग कब गिरेगा, टाइगर हिल कब गिरेगा। वो तो एक एक जबरदस्त देश के अंदर एक खुशी, क्या कहते हैं, पेट्रियोटिज्म का एक वो था सर, वो कोई फीलिंग वहां पहुंच रही थी सर आपके पास। बिल्कुल देखिए, जब यश आपने ठीक बोला कि ये जो मीडिया दिखा रहा था, जो टीवी दिखा रहा था, ये पहली लड़ाई थी जो ड्राइंग रूम और बेडरूम में जा रही थी। लोग देख रहे थे उसको कि क्या हो रही है, लड़ाई की हालत क्या है, टाइगर हिल के ऊपर हमला हो रहा है, शेलिंग देख रहे हैं क्या हो रहा है, टोलोलिंग पे हो रहा है शेलिंग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैजुअलिटीज वापस आ रही है, कैजुअलिटीज इवेक्युएट हो रही है, उसके बाद गांव में जा रही है जो जिनके मॉर्टल लाखों रिमेन जा रहे हैं, और क्या तादाद में गांववासी लाखों लोग सर, मतलब शहरों जो में तो लाखों लोग वहां पे जाते हैं क्रिमेशन के लिए, लास्ट राइट्स पे करने के लिए। तो ये जो मीडिया को काफी इस पे क्रेडिट देना चाहिए, नहीं इसमें 100% सर, हमारा मीडिया जिसमें बरखा दत्त बहुत ही और ये सब बढ़िया थे। उन्होंने काम किया है कि उन्होंने ये जो लड़ाई थी एकदम पूरे देश को दिखाई, जिससे जो हम आगे थे वो आइडेंटिफाई करना कर रहे थे देश के साथ कि देश हमारे साथ है। हाँ, कि आप देखिए जब और अब पाकिस्तान पे एक साई वॉरफेयर और इन्फो वॉरफेयर भी अपने आप हो गया, क्योंकि उनको भी लगा यार अभी हमने तो ऑटोमेटिकली हो बहुत गया, बड़ी बेवकूफी कर क्योंकि दी। क्योंकि जब वो देखते थे, मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बटालियन कमांडर मीटिंग हुई थी लड़ाई के बाद में, तो रेडियो सेट के ऊपर ही बातचीत चल रही थी दोनों बटालियन कमांडर्स के बीच में। तो उन्होंने पाकिस्तान वाला कहता है कि देखो यार, आप अगर का कोई आदमी शहीद हो जाता है या इफ ही गेट्स किल्ड, उसको आप 12-13 लाख तो सरकार देती है। कहता हमारे को तो कुछ नहीं मिलता, हमारे तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं। तो ये काफी मोटिवेटिंग भी था, एंड आइडेंटिफिकेशन हो गई कंट्री के साथ कि किस तरीके से। मैं आपको बताऊं, लड़ाई के बाद में मेरे को तकरीबन अगस्त के महीने में जब ये रक्षाबंधन होता है, बच्चों के कोई हजारों में कार्ड आते थे रोज, जो मैं ये बटालियंस को भेजता था, यूनिट्स को भेजता था, और राखी आती थी हजारों के तादाद में, ये भी जो भेजता था मैं यूनिट्स के अंदर। तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन काफी हो गई थी यूनिट ये कंट्री की आर्मी के साथ। उस जमाने की जो लीडरशिप है सर, मतलब चीफ जनरल मलिक एंड प्राइम मिनिस्टर श्री वाजपेयी जी और डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, तो कहीं आप जब वो आते थे या आए आपके पास, आपको लगा कि हाँ यार ये हमारे साथ खड़े हैं, और एक अपनापन, एक बहुत जबरदस्त फीलिंग मुझे अभी भी याद है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी आते थे, या चीफ हो या डिफेंस मिनिस्टर हो या आर्मी कमांडर कोर कमांडर, जो भी सीनियर ऑफिसर आता था लड़ाई के इलाके में, ये काफी मोटिवेशनल होता था पहले तो। और कोई नॉन इंटरफेरेंस थी ऑपरेशन प्लान के अंदर, तो जो भी आता था वो इंकरेजमेंट के लिए आता था, देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आता था। तो आई थिंक हमारे रक्षा मंत्री आए 3-4 बार आए मेरे होते हुए वहां पे, और चीफ तो खैर हर 10 दिन के बाद आ ही जाते थे, हफ्ते में ही आ जाते थे, आर्मी कमांडर कोर कमांडर तो खैर आते ही जाते थे। तो दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड मूव बाय द सीनियर ऑफिसर्स। है ना सर, और सब एक की सोच में थे, ये बेस्ट पार्ट थी, वो डिवीजन नहीं था, ना सोसाइटी में था ना फौज की तरफ से था, मीडिया भी साथ में था, तो एक सिनर्जी जो एक देश की होनी चाहिए, जबकि और किसी ने क्वेश्चन भी नहीं इतना किया कि ठीक है अभी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, इसको बाद में देखेंगे, अभी हमने लड़ाई लड़नी है, इसको जीतो पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट इज, आपने ठीक बात बोली कि जो हो गया सो हो गया,
आगे बढ़ो और देखो किस तरीके से सिचुएशन को रिस्टोर कर सकते हैं। सर अभी ना मैं कुछ दो चार बैटल्स की बात करना चाहता हूँ, जहाँ हम रोड पे खड़े होते हैं। कारगिल मेमोरियल, मैं ना हमेशा से कारगिल मेमोरियल को कहता हूँ दीज आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सर। ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर का मेमोरियल जो बेस कैंप है, वो मतलब मैं कहता हूँ यही मंदिर मस्जिद है देश के सर। बहुत इंस्पायरिंग लगता है, मैं तो इतनी बार गया हूँ सर्विस में, यूनिफॉर्म में भी, और हर बार आप यू कम बैक कि यार चलो हम भी ऐसी फौज का हिस्सा रहे हैं, इतना प्राउड फील होता है। तो मुझे सर तोलोलिंग के बारे में बताओ आप, क्योंकि जब तक तोलोलिंग नहीं अगर नहीं गिरता सर, तो ये लड़ाई आगे बढ़नी नहीं थी। और वो सामने देखने में सामने नजर आता है, बट कितना मुश्किल था, कितने दिन लगे सर, मतलब उसका कुछ याद आपको हो? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं एक तरीके को मैंने एज्यूम की थी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा कि कोई मेरे को टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो भी एक्शन हो रहे थे तो उसमें बड़े क्विक रिएक्शन हो रहा था, जिसमें हमारी कैजुअलिटी हो रही थी, मेन वर नॉट एक्लेमेटाइज प्रॉपरली, ठीक एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुई थी, जो सेकेंड लेवल की एक्लेमेटाइजेशन होती है। तो मैंने इंसिस्ट किया कि एक्लेमेटाइजेशन होनी चाहिए सबकी। अब सीआई ऑपरेशन में थे, सीआई से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने के लिए कन्वेंशनल ऑपरेशन के लिए थोड़ा कार्डर चलाएगी यूनिट, कि अपने वो बैटल ड्रिल्स बैटल प्रोसीजर्स को थोड़ा सा रिफाइन हाँ, करेंगे। एक सेकंड से ये बहुत जरूरी है लिसनर्स को बताना कि काउंटर इंसर्जेंसी में हम अलग टाइप का, हम उग्रवादियों को ढूंढ रहे हैं, हम इनको मिले इनको ढूंढ रहे होते थे और इनको इनका खात्मा कर रहे होते थे। वो टोटली डिफरेंट, वो किताब ही अलग है। और यहाँ हाइप चढ़ना, अपने 14,000 16,000 18,000 की पहाड़ियों पे आपने मोटर्स लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, आर्टिलरी के सपोर्ट में, LMG MMG पर्सनल वेपन, और आपने जो है स्पर्श के साथ आपने चढ़ना है और दुश्मन ऊपर है। हाँ, एक एक जवान तकरीबन 25 से 30 केजी का सामान लेके चढ़ाइयों ये चढ़ाई के ऊपर चढ़ा जहां तक उस जा सका। फिर वहां पे हमने अपना लॉजिस्टिक बेस बनाया, जहाँ पे भी बनाना था यूनिट्स ने, और वहां से फिर हमले के लिए गए। मगर तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12 दिन किस तरीके से इस्तेमाल हुए इनको एक्लेमेटाइज करने के, इनके बैटल ड्रिल्स प्रोसीजर रिफाइन करने के लिए, आर्टिलरी का बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि आपको पता है माउंटेन डिवीजन के पास बड़ी कम आर्टिलरी होती है, खाली 3 फील्ड रेजिमेंट्स और एक लाइट बैटरी होती है, एक लाइट रेजिमेंट होती है। तो हमने जब ये देखा कि आर्टिलरी कम है तो इससे ज्यादा आर्टिलरी आनी चाहिए, तो आपको बोफर्स आ गए, 2 रेजिमेंट्स माइनस के करीब बोफर्स आए। तो ये काफी टाइम लगता है एम्यूनिशन को शिफ्ट करना, यूनिट्स को वैली से इंडक्ट करना, इक्लेमेटाइजेशन करना और सारा कुछ, ये हमने 12 दिन लगाए। 2 राजरिफ थी सबसे पहली बटालियन जिसको ये टास्क दिया गया, एक बहुत ही काबिल कमांडिंग ऑफिसर थे, कल रविंद्रनाथ उनका ध्यान यस हुआ था, बिल्कुल, कर्नल सर रविंद्रनाथ सर, मतलब हमसे कुछ साल सीनियर हैं। लेजेंड ही वाज, उनकी सर रेपुटेशन भी ऐसी थी, लेजेंड ये एब्सोल्यूट, राइट मैन एट द राइट प्लेस, है ना, राइट यूनिट, है ना सर। एब्सोल्यूटली। एंड जो सीओ ने काम किया इसमें, ये एकदम नोट वर्दी है कि किस तरीके से उसने, बिल्कुल जैसे कॉपी बुक स्टाइल से चलते हैं, उस तरीके से इसने रेकी की, अपने कंपनी कमांडर्स को रेकी कराई, अपने प्लेटून कमांडर्स को रेकी कराई, और 12 रात को प्रीपोंडरेंस ऑफ आर्टिलरी फायर के अंदर हमने हमला शुरू किया। तो जब 13 दिन आप देख रहे थे इस बैटल को, बिकॉज ये बैटल ना नजर आ रहा है तोलोलिंग का, तो एटलीस्ट जो है ना, जिस तरीके से बोफोर्स, मतलब आपके मन में क्या फीलिंग थी? आप जवानों को तो नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि वो तो ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं ऊपर, बट जब आर्टिलरी फायर कर रही थी, आपके मन में क्या फीलिंग थी एज लीडर, एज GOC से? देखिए आपने ये बोफर्स का पहले ही इनोवेशन किया था। आपको पता है बोफर्स तो बेसिकली आर्टिलरी वेपन है, इनडायरेक्ट फायर करता है, इसमें हमने डायरेक्ट फायरिंग का इस्तेमाल किया, और बोफर्स इतना इफेक्टिव था कि जहां पे हमने बंकर्स पे एम किया वो बंकर को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। मगर आखिरी जो 200 मीटर होते हैं जब आर्टिलरी फायर लिफ्ट होती है, वो तो इफेक्टिव को अपने आप जाना पड़ता है लास्ट 200 यार्ड्स के लिए। तो
इसमें जो ये टू नाजरिफ ने दिखाया, इतने मुश्किल इलाके में दो साइड से इन्होंने हमला किया और दो स्पर्स पे हमला किया, दोनों तरफ की ईच साइड पे। और सुबह जब 6 बजे मैंने सीओ साहब के साथ बात करी तो मैंने कहा क्या क्या हाल है, कहता है साहब टोटली 90% हमने कैप्चर कर लिया, एक टॉप बचा है मगर वो दिन में कैप्चर नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे एनिमी ने थोड़ा सा रीइंफोर्स कर लिया और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो होती है क्योंकि पहला अटैक है। तो मैंने सीओ को बोला डोंट वरी, आप अभी फॉर्मेट कर लो, देखो कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्सप्लॉइटेड ड्यूरिंग द डे टाइम। तो मैं कोई 6:15 बजे अपने हेडक्वार्टर में जा रहा था वापस, जैसे ही मैं अपने कैरेवैन में पहुंचा ब्रिगेड कमांडर ने मेरे को रिंग किया, सर टोलोलिंग हैज बीन कैप्चर्ड। अच्छा यू कांट बिलीव कि कितना खुशी होती है ऐसी खबर सुन के, मगर इसमें दुख भी होता है क्योंकि काफी कैजुअलिटीज हो गई थी इसमें इस अटैक में। सीओ ने क्या किया कि जो उसने देखा कोई एक विंडो अपॉर्चुनिटी उसको मिली और उसने उसको एक्सप्लॉइट किया और दिन के टाइम चार्ज करके उसने वो जो दो तीन बंकर थे उनको कैंप कब्जे में किया और जो टॉप था टोलोलिंग का उसने कोई 7 बजे 7:45 के करीब कैप्चर कर लिया। तो जब ये टोलोलिंग कैप्चर हुआ तो हमारा मोराल, डिविजन का मोराल, आर्मी का मोराल, कंट्री का मोराल काफी हाई हो गया था और काफी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आने शुरू हो गए इसी में। और इट वाज अ वेरी ग्रेट फीलिंग, बट इट वाज आल्सो रिग्रेट कि इतनी कैजुअलिटीज हमारी हो चुकी है इसमें। नो सर, देखो उस टाइम पे इक्विपमेंट के हिसाब से सीआई से यहाँ आना, और प्रेशर भी है सर कि भाई ये समर अगर लेट हो गए, अगर और इतनी पहाड़ियां कैप्चर करनी है तो फिर अगला विंटर तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे वहां पे रहना। बिल्कुल, ये जो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट बात करी जो मेरे माइंड पे जाती थी, ये था भी जून का महीना और जून से हमारे पास टाइम था सितंबर अक्टूबर, क्योंकि उसके बाद फिर बर्फ पड़ जाती, क्या पता बर्फ तो पड़े और पास बंद हो जाए, और पास बंद हो जाते ना री एनफोर्समेंट पॉसिबल थी और पाकिस्तान उस कब्जे जो इनके इलाके कंट्रोल में था उसको कंसोलिडेट कर देता और नेक्स्ट विंटर तो हमारे लिए कोई चांस ही नहीं था फिर रिकैप्चर करने का। तो ये टाइम जो था टाइम टाइम वाज वेरी क्रिटिकल। तो इसके बाद जब हमने टोनली कैप्चर किया तब हम काफी हमारा लॉजिस्टिक वगैरह सेट हो गया था, काफी हमारी यूनिट्स भी ठीक ठाक पूरी आ गई थी, पहला ब्रिगेड भी आ गया था ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। तो हमने फिर उसका पूरा इस्तेमाल किया एंड वी स्पीडेड अप द ऑपरेशन टिल द सीज फायर वाज डिक्लेयर्ड ऑन 26 जुलाई। हाँ, और देखो तोलोलिंग का फॉल होना, और तब तक पाकिस्तान एक्सपोज हो गया था, और मुशर्रफ की जो वो टेप है जो लीक हुई थी सर, मैं भी स्ट्रेटजिक लेवल पे बता रहा हूँ, जब वो कह रहा था कि मियाँ को तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब मियाँ मिस मियाँ नवाज शरीफ जो उनके करेक्ट करेक्ट प्रधानमंत्री थे उनको तो करेक्ट गोली दे रखी है, और वो जो बात कर रहे थे कि हाँ उनका हमने एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया है हम क्लेम नहीं करेंगे, तो वो जो टेप का प्ले करना एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर था, यहाँ तोलोलिंग कैप्चर हो गया, और पाकिस्तान का जो फॉल्सहुड था सर वो दुनिया के आगे एक तरीके से आ गया कि ये जिहादी नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी है, ये बहुत बड़ा एक धोखे वाला काम है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। वो टेप ने काफी डाइवर्ज किया इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस को कि ये देखो ये क्या हो रहा है, इसको ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो इसमें काफी सिंपथी भी इंडिया की तरफ आ गई और सपोर्ट भी इंडिया की तरफ आया। अगर आपको ये याद होगा कि 12 या 13 तारीख को इनका फॉरेन मिनिस्टर भी आया था इंडिया में हमारे जसवंत सिंह जी को मिलने के लिए, तो उसमें भी उसने ये बातचीत हो ही नहीं थी जब हमने टोलोलिंग कैप्चर किया। और उसी दिन मेरा ख्याल है एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हो रहा था जिसमें हमने उनकी अच्छी पिटाई करी थी। सर वो दौर ना 99 के बाद, आपको हैरानी होगी सर, मैं ना 2002 में बांग्लादेश गया स्टाफ कॉलेज करने के लिए, और मेरे साथ 3 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे जो कोर्स पे थे, और हम एक ही ब्लॉक में रहते थे क्योंकि क्रिकेट मैच से सर। वो एक दौर ऐसा आया 99 के बाद, हमने इनको क्रिकेट में हराना शुरू किया सर। हॉकी में एक मुझे हॉकी का मैच याद है, और ये मेजर मोहम्मद जिशान था सर, उसने मुझे फोन कर, सर ये क्या है आपके लड़के सर कुछ 7-2 से भी पीटता है क्या? मैं कहा यार मुझे क्या पता, कहता सर मैच देखो सर क्या आपकी जो फॉरवर्ड लाइन है, तो ये एक शायद एक
बहुत बढ़िया दौर है सर, इसको कभी ना कभी हम लिखेंगे इसके ऊपर सर, कंट्री कैसे चेंज हुई। हाँ बिल्कुल, काफी काफी इंस्पिरेशनल था ये पूरे नौजवानों के लिए और कंट्री के लिए। हाँ सर और इसका इफेक्ट देखिए स्पोर्ट्स पे, जैसे आप बोल रहे हैं पढ़ गया, सब जगह इसका इफेक्ट हुआ। आई नो एवरीवेयर। सो दैट यू नो, जसवंत सिंह की आपने बात की सर, उनकी किताब डिफेंडिंग इंडिया, उनको बहुत मैंने फॉलो किया सर, उनकी राइटिंग को, उनके जाने के बाद भी, उनके बेटे के साथ भी मैं टच में हूँ। हमारी बुक के लिए भी हम सोचे थे उनसे एक चैप्टर लिखवाएंगे। तो उनकी जो सोच थी सर, एक्स एन आर्मी ऑफिसर, उनका जो आई थिंक डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में सर उनका नाम सरे फहरिस्त है। एक्सलेंट एक्सलेंट। देखिए अब न्यूक्लियर जो भी टॉक्स हुई थी एक के साथ ही हुई थी, अल्बर्ट क्या नाम है उसका, स्ट्रॉब एल्बर्ट सर, स्ट्रॉब एल्बर्ट अल्बर्ट सिंह, सर, वो जो हाँ न्यूक्लियर डील बाद में साइन की मनमोहन वो सिंह सब जी की इन्हीं का सरकार ग्राउंड में वर्क सर, था जो किया था। दैट स्ट्रॉब एल्बर्ट एंड जसवंत सिंह अल्बर्ट के साथ टॉक्स जो आर इतनी इतनी मीटिंग हुई थी, हाँ ही हैज आल्सो अप्रिशिएटेड दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री जसवंत सिंह टुवर्ड्स द न्यूक्लियर डील। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। तो सर वापस कारगिल सर, आपके साथ तो हम घंटों बात कर सकते हैं सर। जो है ना, कुछ लोग अभी हाउसहोल्ड नेम हो गए हैं सर देश के अंदर सर, इस 2 राजरिफ के और फिर 17 जैकरिफ के, 18 कनेडियंस के, जो है ना, तो उनकी कुछ बात आप बताना चाहोगे उन बच्चों को जिन, अगर आपने डायरेक्टली किसी से मिले हो, मतलब बिफोर द बैटल सर। देखिए ये अब मेरे को ये 20-23 साल हो गए, अब ये तो मेरे को नाम तो याद नहीं है फ्रैंकली मैं बताऊं, मगर शक्लें याद है कि जिनको मैं मिला। ऑफिसर्स तो 100% याद है जो शहीद हो गए, जो हु गॉट किल्ड इन द बैटल, उनकी तो मेजर शक्लें। हाँ आचार्य सर, आचार्य याद उनकी है, चिट्ठियां प्रधानमंत्री गुप्ता, ने पार्लियामेंट में पढ़ी सर, उनकी चिट्ठी से, और आचार्य मतलब की आपको याद होगा आचार्य डॉटर आई थी कारगिल पे जब आप वहां पे थे, हाँ सर, और वो आई थी सर और ये बुक लेके आई हाँ थी सेम सर। सेम सेम। और आपको याद है उसी टाइम पे बुक रिलीज हुई थी ये, एंड व्हाट अ मोटिवेशनल इवेंट दैट वाज, ओ सर, आई कैन नेवर नेवर फॉरगेट दैट सर, अभी भी फॉरगेट रोंगटे दो खड़े हो इवेंट। जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और देखिए एक छोटी हाँ बच्ची सर, को पैदा पैदा भी नहीं हुई थी, भी नहीं हुई थी सर। हाँ उसके आई एम इन बाद स्टिल इन उसके टच विद हर सर, मैं उसकी उसके टच मदर में रहता का, हूँ। उसकी मदर का मोटिवेशन देखिए और इस बच्ची का मोटिवेशन देखिए। और ये ये अच्छा, सर मैं मेजर आपको एक और, आचार्य, ही वेंट इन लास्ट चांस टू ओटीएस सर, मतलब ये अच्छा लास्ट ओके, चांस हाँ था, ओवर एज था सर इसके हाँ बाद ही। हाँ देखिए आप, और उससे पहले ही अटल होटल मैनेजमेंट, ये होटल मैनेजमेंट करके किसी ने कहा इतनी अच्छी आईटीआई तो फौज में क्यों नहीं ट्राई करता, अच्छा मेरे को ले लेंगे तो ट्राई कर, फादर एयरफोर्स में थे एंड ही ट्राइड एंड गॉट थ्रू शॉर्ट सर्विस एज अ लास्ट चांस। देखिए क्या बट बड़ा नेम इज बिफोर फॉर हिम सर, बिल्कुल सर, ग्लोरिया। ऑफ कोर्स देखो कैंगरू सर, वो क्लाइंब बेयर फुट, उसका क्योंकि बेयर फुट ग्रिप में नहीं हो चला रहा था था। वो थ्री पिंपल के इलाके में, क्या इन दोनों को एमवीसी मिला था। विजय थापर अगेन विजय यंग बॉय, थापर जो हिज फादर एवरी ईयर ही गोस एंड आई हैव पता। इंटरव्यूड हिम लास्ट ईयर सर, दोनों हाँ को, मिसेस थापर और कल थापर को, और रॉबिन, रॉबिन की बहुत बातें हमने करी लास्ट ईयर, मैंने उनको इंटरव्यू किया था सर, कल थापर को इसी इसी दौरान सर। मैं आपको एक और टू राजीव का बताता हूँ। एक लास्ट नाइट था जो हु गॉट किल्ड पोलैंड की बैटल में, तो उसकी जो उसके दो लड़के थे, उसकी वाइफ ने इनको बड़ी अच्छी एजुकेशन दी उसके बाद में, एंड अबाउट 2 years बैक दी यंगर बॉय इज गॉट कमीशन इनटू टू राजीव। यस, वो हम वी मेट देम सर मिले आप उनको? उनकी इसमें कारगिल विजय दिवस पे, जो दिल्ली में हमने करेक्ट प्रोग्राम करेक्ट, किया दिल्ली था में सर, आए जिसमें हुए थे प्राइम आप। मिनिस्टर हैड देखो कम, वी मेट द मदर। पीपल एट टीयर्स इन देयर आईज। यस एब्सोल्युटली, दैट इज सो, लड़ाई होती है सर लेकिन ऐसी कहानियां हो जाती हैं कहानियां बन पीढ़ी जाती दर है सर, पीढ़ी याद एंड करने के लिए दिस सर। इज आई थिंक द मोटिवेशन फॉर द यंग जनरेशन। हाँ सर, उसके बाद सर 4875 सर, विक्रम बत्रा, वो तो हाउस होल्ड नेम है, पिक्चर भी बन गई है, किताबें लिख दी उसके ऊपर, उस लड़ाई का कुछ आपको जिक्र हो सर? थर्टीन अब मैं उससे पहले बताऊंगा 5-2-4-0 में 13 जैक जो था, जैक, या 13 जैक, हाँ 13 जैक में जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको उसका इंसिडेंट बताऊं कि
टूआईसी थे वाईके जोशी, जो अभी रिटायर हुए हैं, अभी अभी कमांडर कमांडर। हाँ रहे। सर, मेरे कोर कमांडर थे जब मैं ले में था। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये अभी रिटायर हुए, तो ये टूआईसी थे और इनके सीओ साहब थोड़ा सा मेरा ख्याल है ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू गो अप, सो आई रिलीव्ड हिम ऑफ हिज कमांड और मैंने ये टूआईसी को बोला कि तुम सीओ बन गए हो। मैंने कोर कमांडर से बात की, उसने एमएस से बात की, हमने उसी रात को इनके बैजेस ऑफ रैंक भेजे जो एफयूपी में थे ये, तो इनको मेजर थे उस टाइम पे, इनको लेफ्टिनेंट बनाया और ये पैनल हो चुके थे तो इनको लेफ्टिनेंट बनाया, तो इन्होंने कमांड संभाला और देखिए उसके बाद ये पूरा कायाकल्प बंदी कर दिया इस यूनिट का। इन्होंने फाइव बिल्कुल टू फोर जीरो कैप्चर किया जिसपे विक्रम बत्रा ने दिल मांगे मोर का नारा हाँ लगाया, उसका कोड वर्ड सक्सेस सिग्नल जो था, इट हाँ बिकेम सो फेमस। फिर उसके बाद रेस्ट एंड रिक्यूबरेशन के बाद इनको मैंने टास्क दिया 79 ब्रिगेड के साथ 4875 में अटैक करना, 17 जाट और ये बटालियन और 2 नागा। तो 4875 में जब कब्जा हो गया था 4875 का, अगेन देयर वाज सम पॉइंट व्हिच वाज सम बंकर्स व्हिच वर दुश्मन के अभी भी उसके कब्जे में थे, तो उस टाइम पे विक्रम बत्रा ने बिना सोचे हुए उसके ऊपर हमला किया एंड दैट इज हाउ वी गॉट इज परमवीर चक्र एंड एंड टाइगर हिल बिफोर का। दैट वो बरखा दत्त अगर वो इंटरव्यू नहीं लेती सर, जिसकी वजह बहुत से मतलब कई चीजें बड़े सही टाइम पे होना बहुत जरूरी है। कोई अच्छी जरूरी, पिक्चर, कोई अच्छा इंटरव्यू, एंड दैट इज वाई वो चीजें ना अभी सारी जिंदगी आप ऐसी देखिए चलती उसके रहेंगी ऊपर सर। पिक्चर बनी है शहंशाह हाँ एंड अ वेरी नाइस पिक्चर आल्सो, हाँ नहीं वेल नहीं अच्छा अच्छी बनी है सर। सर इसमें देखो आपके पास गढ़वाल यूनिट भी थी, जाट भी थी, राजरिफ 18 ग्रेनेडियर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथ, एंड ऑफ कोर्स कुशाल ठाकुर वो द सीओ। उस टाइम कमांडिंग ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस, जेसीओस की परफॉर्मेंस और ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस पे कुछ आप कमेंट करना चाहोगे सर? कमांडिंग ऑफिसर्स कंपनी कमांडर्स वर आउटस्टैंडिंग, इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं है। ब्रिगेड कमांडर्स एंड बिलो वर आउटस्टैंडिंग इन देयर परफॉर्मेंस, जेसियो मेनी ऑफ देम परफॉर्म वेरी वेल, पर उनकी एज का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आई कैन अंडरस्टैंड कि जहां पे उनकी परफॉर्मेंस ड्यू टू द फिजिकल फिजिकल हार्डशिप पे इतनी परफॉर्मेंस की हुई, मगर जो यंग ऑफिसर्स थे, यंग सोल्जर्स थे, जो यंग जेसीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर्स थे, कंपनी कमांडर थे, इनकी परफॉर्मेंस वाज एग्जेप्शनल। ये तो मेरा ख्याल है दुनिया की कोई आदमी ने इस तरीके से एग्जाम्पल नहीं दिया लड़ाई लड़ने का, 18,000 19,000 फीट के ऊपर जाके चढ़ाई चढ़ के कब्जा करना दुश्मन की फायर के नीचे, मेरा ख्याल है ये अपने आप ही स्पीक करता है, हाँ वॉल्यूम स्पीक वॉल्यूम के अंदर। ये दुनिया की जो लड़ाई का इतिहास है उसमें फाइटिंग इस एल्टीट्यूड में किस कोई नहीं लड़ा है, और सस्टेंड पीरियड, सस्टेंड पीरियड बिल्कुल यानी कि एक ही पचास दिन बैटल ना, एक पचास सौ दिन की तीस लड़ाई थी, किलोमीटर में 50 दिन की लड़ाई थी और 130 किलोमीटर की फ्रंटेज में थी ये, 3 डे उस साइड पे लड़ रहा था, हम इस साइड पे लड़ रहे। और हम तो द्रास और कारगिल पे ही बात कर रहे हैं, बटालिक और तुरतुक का इलाका तो सर बहुत मतलब। बहुत वहां पे भी बड़ी गंभीर लड़ाई हुई थी और घनाश्याम लड़ाई हुई थी, और और वहां पे भी वहां तो मीडिया भी नहीं पहुंच पाया, ऐसे इतनी खराब जगह हाँ, थी। क्योंकि नहीं मैं आपको बताऊं क्यों नहीं पहुंच पाया वहां पे, क्योंकि जो एम्फेसिस था, जो प्रायोरिटी थी वो रोड को खोलने की थी, तो ज्यादातर जब द्रास पशको सेक्टर पे सक्सेस हासिल किया तब 3 डिप की तरफ रिसोर्सेज भी शिफ्ट हो गई, तो इस बात से मीडिया भी वहां पे, और जहां पे ये 3 डिप लड़ रहा था यालदौर सेक्टर में आपने देखा ही है क्या, वहां तो आदमी को पहुंचना मुश्किल था, मीडिया कहाँ पहुंचता वहां पे, फिर भी हाँ पहुंच गए थे वो एक दो बड़े डाई हार्ड, ये विक्रमजीत था मेरा ख्याल है इंडियन एक्सप्रेस का जो पहुंचा था वहां पे, काफी मीडिया की कवरेज अच्छी हुई थी वहां पे। और मनोज वहां ये कैप्टन हनीफुद्दीन सर, मनोज पांडे और पांडे ने आपका क्या, सोनम वांगचुक सर, सोनम वांगचुक महावीर चक्र जो है ना, बिल्कुल जो कि ऑलरेडी उसको तो साइडलाइन हो चुका था सर लाइफ में, यू नो व्हेन ही आपने वाज। देखा वाचुक को तो आया भी था कारगिल दिवस पे जब सर आपने मैं तो बात उससे उससे बात करता रहता हूँ सर। की। हाँ इज अगेन अ वेरी आई एडमायर मोटिवेटिंग, दैट ऑफिसर,
I admire that officer. Absolutely motivating. Very good personality. और अभी भी सर बहुत दिल का सच्चा सच्चा इंसान है वो. बिल्कुल. तो जब लड़ाई सीज फायर हुआ सर एंड मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब आए वहां, आपको उन्होंने जो है मुबारकबाद वगैरह दी, तो आपके मन में क्या फीलिंग थी? एक तरफ कैजुअलिटी थी, 519 करीब जवान किल्ड इन एक्शन थे हमारे सारे ऑल रैंक्स, 1,000-1,500 करीब इंजर्ड थे, बट फतेह फाइनली मिल गई थी, तो आपकी क्या फीलिंग थी जब आप फाइनली दराज छोड़ा आपने सर? देखिए फीलिंग तो दो होती है ना, एक तो आपने अपना जो टास्क दिया सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और दूसरा था कि आपकी कैजुअलिटी, जैसे आपने बोला कोई भी मेकअप कर सकता, ये कैजुअलिटी जिनके बच्चे चले गए, जिनके हस्बैंड चला गया, जिसका भाई चला गया, ये लॉस तो कोई नहीं मेकअप कर सकता, कोई लड़ाई नहीं मेकअप कर सकती. क्या उस फैमिली के ऊपर बीतती है ये तो खाली वही जानते हैं. मगर मैं एक इस पे एक जरूर बात बोलता हूँ कि जितनी भी हमारी वीर नारी है, जितने भी उनके बच्चे थे, उन्होंने क्या डिग्निटी के साथ जिंदगी काटी उसके बाद, ये मेरा ख्याल है हमारे पूरे मुल्क के लिए ये थोड़ा सा मिसाल बनना चाहिए कि युद्ध में जो भी शहीद हो गया उसकी फैमिली ने पूरी इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ और गौरव के साथ जिंदगी काटी उसकी. अभी भी मिलते हैं सर, अभी भी मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है. और ये एक उन परिवारों में आज ये फक्र की बात है सर. देखो वो जो दुख वाला फेस, बहुत देखो औरत का दुख सर औरत ही समझ सकती है जिसका हस्बैंड चला गया, उसको कोई रिप्लेस, कोई दुनिया की ताकत, नो मनी कैन ब्रिंग हिम बैक सर. लेकिन उनके बच्चों को, उनके परिवार को आज के दिन सर कई स्कूलों के नाम उन पे रखे गए हैं, सड़कों के नाम रखे गए हैं, और अब बड़ा उनको फक्र भी है कि हमारा बच्चा था, हमारा हस्बैंड इस लड़ाई में देश के काम आया. तो और इनको भूलना भी नहीं चाहिए सर कभी, ये हमारा भी फर्ज है वेटरन्स का कि भाई हम बार बार. मैं आपको यश बताऊं कि कोई नहीं भूला. अभी अनुज नैयर 17 जाट महावीर चक्र, उनकी मदर ने एक बुक रिलीज करी थी कोई 4 महीने पहले, मैं उस बुक रिलीज पे गया था USI. आप देखिए this lady is also kept alive the glory of her son. और वो क्या dignity के साथ रह रही है. अभी उन्होंने 92nd कोर्स का था मेरा ख्याल है वो अनुज नायर, उसकी सेलिब्रेशन हुई थी 25th एनिवर्सरी NDA में, तो वहां पे ही गई उनकी मदर एंड द होल लॉट ऑफ देम, उसके जो कोर्स मेट्स थे वहां पे थे. कितना टचिंग मोमेंट होता है ये एक माँ के लिए. आई नो मदर्स ने बहुत डिग्निटी, पेरेंट्स ने, वाइफ्स ने. आप हनीफुद्दीन की मदर का देखो समवॉट डिग्निटी. बिल्कुल बिल्कुल, आई एम बेटर आल्सो. रिजोल्यूटनेस सर, रिजोल्यूटनेस. मैंने लास्ट ईयर बात की, मैंने कहा मैम आपसे बात करनी है, कहती अब मैंने बहुत जो बोलना था हनीफुद्दीन के बारे में बता चुकी हूँ, और मैं कह चुकी हूँ उसकी मेमोरी हमारे पास है, और उसे देश के काम आ गया, बच्चा ठीक है अभी. मतलब हम उससे जो है ना उसकी यादों में ही जी रहे हैं बस. वेरी गुड. एंड कल मिसेस कल थापर की तो स्पिरिट्स अभी जाके आए. देखिए तो मैं उनको कई बार मिलता हूँ, कल थापर एंड मिसेस थापर. तो जब इनका वो पेट्रोल पंप इनॉग्रेट हुआ था, ही हैड कॉल्ड मी फॉर दैट नोएडा में, बड़े साल हो गए. और देखिए अपने लड़के की याददाश्त में, वो जब पॉसिबल था ये पूरा जाते थे 3 पेपर में, जहाँ पे वो विजंत की डेथ हुई. एवरी ईयर यूज्ड टू. हाँ, और एक चीज और मैंने सर, मैं तो ये बच्चे तो हमारे बहुत सारे जूनियर ही हैं, और मैंने भी काफी एक्शन देखा कश्मीर में, पंजाब में, कई जगह पे. मैं हमेशा यंग जनरेशन को कहता हूँ, ये ऑर्डिनरी बच्चे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर गए. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. They're ordinary, sir. इसकी कोई आप किसी बच्चे को देखो, ये नहीं कहते भाई फलाना NDA ही करेगा, फलाने स्कूल का करेगा, सब बाकी सब ऐसे ही है सर. कौन कौन मौका मिलके काम करेगा ना सर, ये कहना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है. एससी ऑफिसर्स, एससी ऑर्डिनेंस, कैंगरूज और हनीफुद्दीन तो इन्फेंट्री ऑफिसर थे ही. ज्यादातर एससी के ऑर्डिनेंस के थे ये यंगस्टर्स जो थे. इसीलिए जब ये बात आई कि इनको रैंक नहीं देंगे, ये गए कोर्ट में, बोला यार ऑर्डिनेंस और एससी के पास ज्यादा गारंटी अवार्ड है, तो क्या बात कर रहे हो. है ना सर. तो
सर एक एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता था, अभी आपने सर वहाँ कमांडिंग ऑफिसर्स, वो तो हमारी एज के थे सर, 21 22 इयर्स में, आप कितने साल में सीओ बने थे सर, क्या सर्विस आपकी? मैं बना था 18 इयर्स के बाद, 18 इयर्स, बट हम लोग जब तक आए ना सर, ये रविंद्रनाथ वगैरह कोशाल ठाकुर थे, फ्यू इयर्स सीनियर टू मी, 4-5 इयर्स, तब 21-22 साल में सीओ बन रहा था सर। फिर उसके बाद कारगिल कमेटी, फिर हमने हमने प्रोग्राम शुरू हुआ, हमने अब हम सीओ की तो ले आए 14 साल सर। अभी इनफैक्ट आई वाज द एबेस व्हेन वी पुट इन दिस प्रपोजल, और आप ये ओवर ले आए थे 16 साल, अभी आप कह रहे हो 14 साल है, विच इज अगेन 14 साल में सर इन्फेंट्री में, 14 साल सर्विस में इन्फेंट्री का बोर्ड हो जाता है सर। आपको मैं बताऊं 71 वॉर में मेरा सीओ हैड 13 और 14 ईयर सर्विस। हां 71 में सर 13 साल 14 साल सर्विस थी सीओ की। अगर आज हम वी आर इन दैट स्टेट इज वेरी गुड। लेकिन सर जो मैं मुद्दे पे लास्ट में सर विल क्लोज विद दिस, ये जो स्कीम लेके आ रहे हैं सर और बोल रहे हैं कि भी जवानों को फिटर जवान चाहिए हमें, ये कभी कारगिल में ये बात हुई कि जवान फिट नहीं है सर? मैं तो कहता हूँ जवान उतना ही फिट है जितना सीओ फिट है। और ये 4 साल की जो स्कीम लेके आए हैं उस पे बारे में आपका क्या कहना है सर? फ्रेंकली फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूँ ये स्कीम अच्छी स्कीम है, इसको जरा मेरा ख्याल है अब सोच विचार से हुई है। अगर आप सिक्स पे कमीशन को पढ़े या सिक्स पे कमीशन की पूरा रिकमेंडेशन ही यही है, रिकमेंडेशन ही यही था, मेरा ख्याल उस पर 5 साल बोला था, अभी उन्होंने 4 साल किया है। नहीं नहीं लेकिन सर आप ये देखो कि अगर जो बच्चे आना चाहते हैं सर वो क्यों आएंगे सर? अगर आप परमानेंट, वो फिर बीएसएफ सीआरपीएफ पुलिस वहां जाएगा जहां 57-58 साल तक नौकरी कर सकता है, यहां क्यों आएगा 4 साल के लिए? और वॉलंटियर आर्मी है, अगर जो आना चाहता आएगा नहीं, बट सर वॉलंटियर बेशक हो, बट हमें अच्छा टैलेंट नहीं चाहिए क्या? फिर हम बोले यार जिसको आना आ जाओ, हम क्यों, हमने एनडीए के ऊपर एक टैग लगा रखा है इट्स अ वेरी गुड एकेडमी, आईएमए इज वेरी गुड, अगर अच्छे बच्चे हम नहीं लेना चाहते, हम क्यों फिर करते हैं भाई? डू यू हैव नहीं, नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे अपने आप आएंगे, अभी आप आज की खबर पढ़िए 3,800 ने तो ऑनलाइन पहले ही कर दिया अप्लाई। तो सर वो देश में बेरोजगारी इतनी है सर, गुरबत इतनी है, बेरोजगारी है, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, बेरोजगारी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, जो हमारा सिस्टम है आपको पता है रिक्रूटमेंट सिस्टम है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, मतलब जो नई पॉलिसी आती है उसको थोड़ा सा ट्राई करो, एक साइकिल ट्राई करो। बहुत हिस्टोरिकल है और पूरा हम तो कहते थोड़ा वो भी चलाते रहो सर, ये स्टार्ट हुआ था कि 1,000 जवान लेंगे 100 अफसर लेंगे टूर ऑफ ड्यूटी, इट स्टार्टेड विद दैट स्कीम सर, कि कुछ कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे। मैं आपको एक रेकमेंड करता हूं, आप 6th पे या 5th पे कमीशन का पढ़िए, मेरे पास शायद हो तो मैं आपको भेजता हूँ, आप उसको पढ़िए और देखिए कि जो प्रपोजल अभी आ रहे हैं वो पे कमीशन के प्रपोजल्स पूरे हैं तकरीबन इन टोटल मोर ऑर लेस, पर उस टाइम पे बोला था कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। इम्प्लीमेंट सर सडनली कर दिया, जो बच्चे 2.5 साल से सर आपने भर्ती नहीं करे वो किसी ना किसी स्टेज में थे भर्ती के, आपने एक सेकंड में बोल दिया अभी पिछला रद्द है 3 साल का काम जो आपका था और अब से ऐसे होगा, तो बहुत नौजवानों में सर रोष ऐसे नहीं है कि भाई कोई जान करके करता है, मतलब आप उस प्रोसेस में थे, इमेजिन जब हम लोग अपने प्रोसेस में थे एनडीआईएमए के और ज्वाइनिंग से पहले कहते अब कैंसिल है 3 साल बाद आना और वो भी वो अलग स्कीम से आना, तुम्हारा सब कैंसिल, सारे टेस्ट कैंसिल। उन्होंने 2 साल की तो राहत दी है ना सर, राहत दी थी एज की, बट उनको तो राहत नहीं दी ना जो सिर्फ कॉल लेटर की वेट कर रहे थे या कंबाइंड एग्जाम की वेट कर, इसमें है शॉर्टकमिंग्स है, मैं तो ये कहता हूँ कि जब एक स्कीम हमने बनाई है, लेट अस सी हाउ इट प्रोग्रेसेस, और ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऑप्शंस, हां बिल्कुल आई एम श्योर दे विल टेक सर, इसको ट्रायल नहीं करना चाहिए पहले कि 1,000-2,000 का ट्रायल लेना, सीता सर की ना ट्रायल नहीं बस यही चलेगा, मतलब एक टेस्ट पे करना चाहिए था, मगर मैं अभी कह रहा हूं नहीं हुआ तो लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, चलो आई नो लेट्स सी सर, आई होप सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड सैल्यूट यू सर, और ये बुक मेरे पास आ गई है सर, आई विल एक कॉपी, वी विल शो यू, वेरी गुड वेरी गुड, हां सर, तो इसमें इसमें आपका चैप्टर है सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा मैं आपके साथ टच में रहा इस चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 5 सर, द कारगिल वॉर अ स्टोरी ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन सर। ओके थैंक यू सो जब भी रिलीज होगी वी विल गेट इन टच विद यू सर, वहां फिजिकली मिलेंगे सर, एंड आई विल हैव द प्राउड प्रिविलेज ऑफ getting an autograph from you on the book sir. Thank you so very much, very kind of you, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड
this is the month to remember Kargil, and you were the GOC, sir. What inspiring leadership, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Pleasure talking to you always.